हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम DBMS के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने दो बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि DBMS की कुछ प्रॉपर्टीज़ के हम क्यों उसको पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेस्ड ऑन एक सिंपल फाइल सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं, एंड कंपेरिजन विद DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप छोटे से दो तीन काम करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम आज करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की या फिर डेटाबेस अप्रोच की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, डेटाबेस अप्रोच की करेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या, हम डेटाबेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद द फाइल सिस्टम जो कि हमारे पास सिंपल फाइल प्रोसेसिंग है, उसके कंपैरिजन में हम डेटाबेस का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो फीचर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ जब पहले जब डेटाबेस नहीं था तब हम किस तरीके से यूज़ करते थे, हम फाइल प्रोसेसिंग यूज़ करते थे। मतलब फाइल है, जैसे कोई सिंपल आपके पास फाइल बनी है स्टूडेंट डेटा, student.txt, ठीक है, student.txt, तो ये एक सिंपल फाइल है। अगर एक यूनिवर्सिटी का हम काम करें, जैसे सपोज करो एक स्कूल है, एक स्कूल का अगर हम डेटा लें, ठीक है, एक स्कूल का डेटाबेस है, तो स्कूल के डेटाबेस में क्या आता है, एक तो क्लास का डेटा आता है, एक आपका अकाउंट्स का डेटा आता है, ठीक है, एक आपका कुछ मैनेजमेंट का भी डेटा आएगा। किसका आएगा, मैनेजमेंट का डेटा आएगा, एक कोर्स आएगा आपके पास, ठीक है, सेक्शन का अलग से एक आपके पास कुछ अलग से बनेगा सिंपल, और कुछ आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम जो होगा वो आपके पास अलग सिस्टम बनेगा, ठीक है, इस हिसाब से बनेगा। अब इन सब में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको स्टूडेंट फाइल की ज़रूरत है, स्टूडेंट .txt या .excel, अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो। अगर student.txt एक फाइल है जो कि सब में बड़ी हुई है यहाँ पे, तो अगर मान के चलो कि अगर आप इसको यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है, अगर सपोज़ करो कि मैंने student.txt एक जगह बनाई, अब मैं वही student.txt में ग्रेड वाले में भी यूज़ करूँगा बिकॉज मुझे स्टूडेंट्स के ग्रेड चाहिए, यही मैं क्लास में यूज़ करूँगा, यही मैं अकाउंट्स में यूज़ करूँगा, यही मैं कोर्स में यूज़ करूँगा, यही मैं सेक्शन में यूज़ करूँगा। मतलब एक सिंपल फाइल वो यहाँ भी जा रही है, 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 मीन्स जो डुप्लीकेट वाली चीज़ है वो इसमें आ गई। ठीक है, अब डुप्लीकेशन में क्या होता है, रिडंडेंसी हो जाती है। ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉपीज उस फाइल की आपकी स्टोर होंगी फाइल सिस्टम में, जो कि क्या किया, डेटाबेस अप्रोच ने इसको ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया, उसने क्या किया, मैं इसको इधर लिखता हूँ कि सबसे पहले उसने क्या किया कि डेटा रिडंडेंसी को हटा दिया। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, ठीक, इस चीज़ को हटाया। कैसे हटाया, डेटाबेस एक सिंगल एक जगह पे किसी भी फाइल को रखता है, जैसे स्टूडेंट डेटा जो है वो एक जगह पे रहेगा और उसको यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास में भी वही यूज़ होगा, आपका अकाउंट्स में भी वही यूज़ होगा, आपका कोर्स में भी वही यूज़ होगा, आपका सेक्शन में भी वही यूज़ होगा, और आपका ग्रेड में भी यही यूज़ होगा। तो हर जगह एक ही सिंपल फाइल जो हो गई वो यूज़ हो रही, इससे क्या होगा, इससे आपका जो डेटा मल्टीपल कॉपीज़ जो बन रही है वो नहीं होंगी और एक सिंगल फाइल बनेगी जिसको मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना सही है, एक सिंपल सा एक फर्स्ट चीज़ होगी जो कि डेटा रिडंडेंसी के बारे में हो गया। ठीक, और दूसरा चीज़ जो आता है, जो डेटाबेस है वो एक किसी भी डेटा का कंप्लीट डेफिनेशन उसकी स्टोर करता है। अब डेफिनेशन के उसमें क्या, किस तरीके से हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग, इसका नाम दिया जाता है सेल्फ डिस्क्राइबिंग। मतलब जो भी आप डेटाबेस जो इसमें डाल रहे हो वो अपने आप में सेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है अपने आप को इस तरीके से। अब वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा, जैसे सपोज करो कि एक आपके पास में यू हैव अ फाइल, आपके पास में कोई फाइल है, अब सपोज करो आपने स्टूडेंट डेटा बनाया, एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया जिसके अंदर आपने क्या डाला, आपने रोल नंबर डाला, आपने नेम डाला, ठीक है, आपने इसमें अपना उसका क्लास डाल दिया, आपने इसके अंदर उसका सेक्शन डाल दिया, जिस प्रकार से, तो इसमें क्या है, स्टूडेंट के अंदर उसको पता है भाई कौन कौन से कॉलम्स हैं उसके पास। ठीक, दूसरी चीज, उसको इनका सबका डेटा टाइप पता है, क्या पता है इनका सबका डेटा टाइप। ठीक, आपको डेटा टाइप पता होगा कि मतलब इसमें किस प्रकार की वैल्यूज स्टोर हो रही है, इंटीजर स्टोर हो रही है, इसके अंदर आपकी स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, इसके अंदर बुलियन स्टोर हो रही है, इसके अंदर लंबा सा कैरेक्टर यूज हो रहा है, वो सब चीजें। तो क्या करता है, एक गुड डेफिनेशन उसको दे देता है कि भाई ये चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करें।
जो कि वो कहाँ पे यूज़ करता है, उसको वो स्टोर करता है DBMS कैटलॉग में। कहाँ पे यूज़ करता है? DBMS कैटलॉग में। और जो DBMS कैटलॉग को हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोल देते हो मेटा डेटा। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, मेटा डेटा। तो मेटा डेटा ही वही चीज़ है जो कि क्या होती है, जो कि डेटा का, जो डेटा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, फिर उसकी डेफिनेशन रखती है कि डेटाबेस में क्या चीज़ें हैं, क्या डेटा टाइप है, कितने साइज का है, कितना उसमें चीज़ें स्टोर हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, आज के करेंट टाइम में कुछ डेटाबेस ऐसे आ गए जो कि नो एसक्यूएल आ गए। अब नो एसक्यूएल वाली डेटाबेस में क्या चीज़ है, उनमें मेटा डेटा का यूज़ नहीं होता। तो जो भी डेटाबेस जो कि नो एसक्यूएल के यूज़ करते हैं, उनके अंदर आपको मेटा डेटा की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप उसमें मेटा डेटा नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक, तो पहली चीज़ इट इज़ डेटा रिडंडेंसी, और दूसरा वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा होता है, मतलब वो खुद को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउ लेकिन यही चीज़ जब आप इसमें जाओगे, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल फाइल में बताऊं, तो ट्रेडिशनल फाइल में ये चीज़ क्या होगी कि डेफिनेशन जो होती है डेटा की, मतलब किसी भी डेटा की जो डेफिनेशन होती है, वो एक सेपरेट फाइल में स्टोर की जाती है, जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसके अंदर आप स्टोर करते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप प्रोग्राम में कोई चेंज करोगे, उस एप्लीकेशन में कोई चेंज करोगे, तो उसके डेटाबेस के कैटलॉग या फिर डेटाबेस की डेफिनेशन में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि आपको, अगर आप एप्लीकेशन में कोई चेंज कर रहे हो तो डेटाबेस उससे अलग है, क्योंकि वो डेटाबेस के कैटलॉग में यूज़ हो रहा है। बट जैसे अगर आप एप्लीकेशन चेंज करोगे तो डेटाबेस के कैटलॉग नहीं चेंज होगा, डेटाबेस कैटलॉग चेंज करोगे तो एप्लीकेशन नहीं चेंज होगा। तो यानी ये दोनों अपने आप में सेपरेट सेपरेट अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर रह रहे हैं, अलग अलग घर में मस्त तरीके से बिंदास। ठीक है, तीसरी जो इसमें चीज़ आती है, द थर्ड थिंग इज, जिसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डेटा को हाइड करना, कि कोई एक पर्टिकुलर यूज़र है, अगर वो यूज़र क्या करता है, उस यूज़र को सिर्फ एक इतना सा पार्ट आपको डेटा का दिखाना है, उसको ये मतलब नहीं कि डेटा के पीछे क्या चल रहा है और क्या चीज़ें, तो आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया कि एक स्कूल में क्या है, अकाउंट्स का भी डेटा है, ग्रेड का भी डेटा है, क्लास का भी डेटा है, सेक्शन का भी डेटा है, कोर्स का भी डेटा है, तो जो अकाउंट वाला जो बंदा होगा उसको आई थिंक ग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको अगर हम चाहें तो ग्रेड इसमें हटा सकते हैं। तो यानी हम यूज़र के अकॉर्डिंग, जो भी इसको यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको व्यू दे सकते हैं। ठीक, ये होता है। प्लस इसमें एक और चीज़, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर में जैसे सेल्फ डिस्क्राइबिंग मैंने क्या बताया कि आपका प्रोग्राम और जो डेटा है वो दोनों अलग अलग चीज़ें चलती हैं, मतलब प्रोग्राम में आप जो चेंजेस करोगे वो डेटा में चेंज नहीं होगा। इसको आप बोलते हो प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, यानी प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, कि प्रोग्राम और जो डेटा है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, उनसे कोई मतलब नहीं है। डेटा कैटलॉग अलग है, प्रोग्राम अपना अलग है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप प्रोग्राम में लेके आओगे कोई भी चीज़ों को, तो वो डेटा पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो इधर नहीं इफेक्ट करेगा। इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बोल सकते हो, डेटा हाइडिंग बोल सकते हो। ठीक, चौथा चीज़ आपके पास आता है मल्टीपल यूज़र्स। ठीक है, एक डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र्स, एक डेटाबेस को मल्टीपल पीपल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है वो अपने आप डिसाइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी वो अपने हिसाब से, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ़ यूज़र्स। तीसरा, मल्टीपल व्यूज़ बेस्ड ऑन द यूज़र्स, वी कैन क्रिएट मल्टीपल व्यूज़, कितने प्रकार के व्यूज़ चाहिए वो कर सकते हैं। पांचवा क्या आपके पास आता है कि भाई शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ द डेटाबेस, आप उस डेटाबेस को शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, और उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आपने गूगल ड्राइव देखा है, गूगल ड्राइव में क्या होता है, गूगल ड्राइव में अगर आप कोई फोल्डर बनाते हो, अगर आप उसको किसी को भी चेंज करने के लिए दोगे ना, अगर आप उसको दोगे कि भाई मैं ये फोल्डर मैंने शेयर के लिए लगाया, तो जब भी आप शेयर करोगे वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आता है कि आप उसको सिर्फ दिखाना चाहते हो, दैट पर्सन ओनली कैन सी, वो उसमें ना फोटो डिलीट कर सकता ना उसमें ऐड कर सकता। एक ऑप्शन आता है कि वो उसको एडिट कर सकता है। तो इस हिसाब से आप यूज़र के हिसाब से आप उस डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हो कि भाई वो इंसान एक्सेस करने के लायक ही है, या फिर उसमें रीड राइट का भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक दो तीन तरीके हैं जो कि फाइल प्रोसेसिंग में या फाइल वाले उसमें नहीं आते थे। ठीक, वो उसमें नहीं था। आप उसमें शेयर करोगे तो जो आप फाइल शेयर कर दी तो मल्टीपल तरीके से आप शेयर करोगे। ठीक, एक और इसमें बताता हूँ, जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट फाइल है या एक तरीके का कोई शेयरिंग डेटा है। ठीक, मान के चलो आप एक एयरप्लेन की सीट बुक करो या फिर ट्रेन की सीट बुक करो, तो ट्रेन की सीट बुक करने के लिए हम IRCTC का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं, IRCTC का। अब IRCTC क्या करता है, वो अपने सिस्टम में क्या बना रखा है भाई, उसने कुछ अपना ट्रेन नंबर आप डालते हो, उसमें आपको बर्थ जो अवेलेबल है, सपोज करो स्लीपर में आपके पास 42 बर्थ अवेलेबल है,
42 सीट्स अवेलेबल हैं। अब उस एट दैट टाइम, उस करेंट टाइम पे आपको बहुत सारे लोग उस सीट के लिए बैठे होंगे ना, बहुत आप देख रहे हो, कुछ हज़ारों लोग और होंगे जो उस सीट को देख रहे होंगे। सपोज करो कि जैसे ट्रेन में तो फीचर नहीं आता सीट चूज़ करने का, जैसे अगर आप फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट में यू कैन चूज़ कि भाई आपको कौन सी सीट चाहिए। तो अगर सपोज़ करो आपको विंडो सीट में चाहिए यानी कि आपको 13A चाहिए, सपोज़ करो कोई 13A सीट है वो आपको चाहिए होगा। अब उस 13A को उसी टाइम पे करंट में दो तीन लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन के उसमें आता है ना, कि जैसे दो तीन लोग उसको देख रहे हैं, अब वो दो तीन लोग क्या करेंगे उसको भाई देखने चलेंगे। अब एक टाइम पे हो सकता है दो तीन लोग उसको वहाँ बुक कर दें, लेकिन उस समय डेटाबेस का यहाँ पे सिस्टम आता है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आएगा कि भाई वो एक जिसने उस सीट को पहले देख लिया उसको लॉक कर दिया, और फिर लॉक हो गई वो तुरंत। आप देखोगे अगर आप बुक भी ना करो, आप कैंसिल कर दो, तब भी वो कुछ देर के लिए उसको दिखाएगा कि दैट सीट इज़ ऑक्यूपाइड। ठीक है, इसको एक और सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि जैसे कि आपके पास स्टूडेंट का कोई डेटा है, और वही डेटा अगर हम इसको सिंपल मल्टीपल टाइप में अगर हम उसको डाल दें, या फिर हम वही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और अकाउंट्स वालों ने क्या किया, उस स्टूडेंट का जो DOB है उसको कुछ लिख दिया 06 03 1999। ठीक है, बट उसका एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में उसका है 03 06 1999। ठीक, लेकिन ये स्कूल वाले में, ये जो क्लास का जो डेटाबेस है उसके अंदर उन्होंने ये डाल दिया, अपग्रेड कर दिया। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन्हें फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा सिंपल फाइल हैंडलिंग में। बट इफ़ यू आर यूजिंग द सेम टेबल, सेम डेटा जो कि आप पूरे हर जगह यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप एक जगह कोई चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जाके हर जगह पे वो चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, वो मल्टीपल जगह पे आपको चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जिनकी वजह से डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, और इसका हम यूज़ करते हैं एज कंपेरिजन टू सिंपल फाइल प्रोसेसिंग वाला जो सिस्टम था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में हम कुछ रोल्स की बात करेंगे कि जो डेटाबेस में बनाने के लिए किस प्रकार के रोल, कौन कौन से रोल होते हैं जिसमें आप जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम पहले ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एक पूरा एक बेसिक चीज़ तो पता हो ना कि भाई जो पढ़ने जा रहे हो उसका मेन कारण क्या है, उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। बाद में जो चीज़ें हैं वो तो हम कवर ही करते रहेंगे, तब आपको थोड़ा इंटरेस्ट उसमें जगेगा कि हाँ हम इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि।